वेलकम टू सोनी स्पीकिंग चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग क्राउड फंडिंग की मदद से फंड रेज कर सकते हो और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। देखो क्राउड फंडिंग क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप लोगों को बड़े फंड्स चाहिए, अगर आप 10 लाख रुपए एक आदमी से लोगे तो उसके ऊपर लोड पड़ेगा, वहीं अगर 10 लोग आपको 10 लाख रुपए देंगे तो एक आदमी को सिर्फ 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करना है। अगर आप 10,000 रुपए 100 लोगों से लोगे तो एक आदमी को सिर्फ 10,000 रुपये बियर करना है आपको टोटल फंड 10 लाख रुपए देने के लिए। अब देखिए क्राउड फंडिंग इसी के ऊपर चलता है। आप एक आदमी से सारा पैसा नहीं उठाते हो, आप एक क्राउड से पैसा उठाते हो। US के अंदर ये कंसेप्ट बहुत फेमस है और इंडिया के अंदर भी आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप लोग अपने स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए क्राउड फंड कर सकते हो और उसकी मदद से अपने स्टार्टअप को विदाउट VC फर्म, एंजल इन्वेस्टर्स स्टार्ट कर सकते हो। आज मैं आपको एक ब्रांड की केस स्टडी देने वाला हूँ जिसने कोई फंड रेज नहीं करा बट वो ब्रांड 5 साल के अंदर $3 बिलियन की हो गई। ये केस स्टडी है ऑलबर्ट्स की। जी हाँ, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड। ऑलबर्ट्स की वेबसाइट पर आप जाओगे ना, पहली बात इन्होंने बहुत अच्छी वेबसाइट्स क्रिएट करी है खुद के लिए, जहाँ पे इन्होंने बहुत कंज्यूमर फ्रेंडली डेटा दिया है, इमेजेस दिए और डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्ट कराए। अभी ये ब्रांड अपना IPO भी लेकर आ रही है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये ब्रांड 5 साल के अंदर $3 बिलियन की बनी। जो इनके फाउंडर थे टिम, वो एक सॉकर प्लेयर थे। काफ़ी साल खेलने के बाद जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो 2012 में उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपना एक स्टार्टअप चालू करेंगे। उन्होंने अपने स्टार्टअप आइडिया के लिए किक स्टार्टर के ऊपर जाके एक प्रोफाइल बनाई, वहाँ अच्छी वीडियोस, फोटोज और मार्केट में एक प्रॉब्लम बताई स्नीकर्स को लेके कि बहुत सारे स्नीकर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है बट वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, कोई नॉर्मल स्नीकर्स नहीं है जो रिसाइकलेबल हो। 2014 के अंदर इन्होंने किक स्टार्टर से 1,19,000 का फंड रेस करा। फंड रेस करने के बाद टिम ने अपने को फाउंडर को सर्च करना चालू करा। फाइनली उनको जॉय, जो कि एक बायोटेक इंजीनियर था, वो मिला, जिसके साथ उन्होंने R&D लैब को सेटअप करा और फाइनली ऑलबर्ट्स को 2016 के अंदर उन्होंने लॉन्च करा और देखते ही देखते इनको मिलियंस ऑफ डॉलर की सेल्स मिलने लगी। ऑलबर्ट्स की स्पेशल बात ये थी कि जो बाकी स्नीकर्स कंपनी थी वो जो प्रोडक्ट्स यूज करती थी ना, वो रिसाइकलेबल नहीं थे, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं थे। इनके जितने भी आइटम्स थे इनको रिसाइकिल करा जा सकता था, तो यहाँ से ब्रांड की USP क्रिएट हो गई और इन्होंने यही मैसेज कंज्यूमर तक कम्युनिकेट करना चालू करा सोशल मीडिया के थ्रू। अब मैं आपको लेसन्स बताता हूँ कि कौन से ऐसे मार्केटिंग और बिजनेस के लेसन है जो आप इस ब्रांड से सीख सकते हो। सबसे पहला लेसन, इन्वेस्ट बिग इन मार्केटिंग। देखो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, जब ये बिजनेस के अंदर प्रॉफिट आता है उसको विड्रॉ कर लेते हैं, वो मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं करते। फर्स्ट 3 ईयर्स अपने बिजनेस के मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्ट करो, जितनी बड़ी आपकी ब्रांड होगी उतना रेवेन्यूस आप अर्न कर सकते हो। दूसरा लेसन, अफिलिएट मार्केटिंग। देखिए आज के टाइम में हर बिजनेस की एक प्रॉब्लम है सेल्स। सेल्समैन मिलते नहीं है, सेल्स टीम बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका रिटेंशन, रेवेन्यू जनरेशन, उनकी सैलरी बहुत मुश्किल पड़ता है किसी भी कंपनी के लिए। इन्होंने क्या करा, अफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम लॉन्च करा। इन्होंने साथ साथ इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करा, उनको कहा अगर आपके लिंक के थ्रू हमारे स्नीकर्स बिकता है, सेल्स मिलती है तो उसका कुछ परसेंटेज हम आपको देंगे। अब लेट सपोज एक जूते की कॉस्टिंग 200 रुपीज़ है, 1,000 रुपये का वेबसाइट से बिक रहा है तो 200 रुपये वहाँ पर इन्फ्लुएंसर को देने में कोई दिक्कत नहीं है। इन्फ्लुएंसर का एक्स्ट्रा टाइम एंड एफर्ट्स नहीं लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी उनके पास ऑडियंस है, उनको खाली प्रमोशन करना है। और साथ साथ इनका मैसेज बहुत क्लियर था, वी सेव अवर एनवायरनमेंट बाय बिल्डिंग रिसाइकल स्नीकर्स, मतलब हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्नीकर्स बना रहे हैं। तो एक सोशल कॉज इन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर जोड़ दिया जिससे इस ब्रांड को और ज़्यादा पुल मिला और ज़्यादा कंज्यूमर इनकी ब्रांड से कनेक्ट कर पाया। थर्ड लेसन, डिस्काउंट्स। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, आज के टाइम में डिस्काउंट्स के ऊपर फोकस करते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है ना, डिस्काउंट देना जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सस्ता बेचना, सबको बेचना, डिस्काउंटेड रेट्स पे बेचना बिल्कुल गलत है क्योंकि आप डिस्काउंट देते हो तो कॉम्पिटिशन ईजिली आ सकता है। इंस्टेड ऑफ गिविंग डिस्काउंट्स, ऑलबर्ट्स क्या करता है, अपने कस्टमर को 30 डेज का नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी देता है। उससे क्या होता है, कस्टमर के मैंने ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो आप भी देखो कि डिस्काउंट के बजाय कस्टमर को ऐसी क्या चीज ऑफर कर सकते हो जिससे आप लोग विदाउट डिस्काउंट प्रीमियम के ऊपर कस्टमर को अपनी सर्विस और प्रोडक्ट बेच सकते हो। और देखो आज के टाइम में ना सोशल मीडिया ही सब कुछ है। अगर आप ऑलबर्ट के इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वहां पे आपको 4,90,000 फॉलोवर मिलेंगे। फेसबुक के ऊपर, पिनिंटरेस्ट के ऊपर, हर जगह इन्होंने अपने कॉन्टेंट मार्केटिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है, जहां से इनको कंटिन्यूसली रीच मिलती है, कंटिन्यूसली कस्टमर इनसे जुड़ा रहता है। जब जब ये स्टोरी डालते हैं, पोस्ट डालते हैं तो डायरेक्टली कंज्यूमर तक, कस्टमर तक इनका
का कंटेंट रीच होता है और रिकॉल वैल्यू बढ़ती है। आप भी देखो कैसे अपने सोशल मीडिया को आप लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि बूटस्ट्रैप की केस स्टडी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम @bhopreesoni पे फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर डायरेक्टली आपको मेरा लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, जहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने पहले सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।